जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं DLED सेकेंड सेमेस्टर और जो हमारा एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो अभी तक आपने काफ़ी लेसन इस जो ये विषय है इससे संबंधित कई सारे लेसन आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा नया लेसन है वो है शिक्षा और समाज। तो शिक्षा और समाज में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, शिक्षा और समाज को हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे, प्रश्न और उत्तर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इस लेसन को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है, शिक्षा तथा समाज एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ऐसा हमको स्पष्ट करना है। सबसे पहले हम समझते हैं शिक्षा और समाज का संबंध क्या है। तो शिक्षा की व्यवस्था जो है समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों को आधार मानकर की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसा समाज हो, ठीक, मतलब कोई समाज है, उस समाज की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, और उस समाज की जो आदर्श चीज़ें हैं उनको आप आधार मानिए और उस हिसाब से अपनी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों और सामाजिक भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए, ये बात तो आपको ज़रूर पता होगी। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करा के सामाजिक वातावरण से समायोजन करने की योग्यता प्रदान करना। ये लाइन आप जरूर याद कर लीजिएगा। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना है तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब अगर कोई समाज है, ठीक, उस समाज में शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो वो समाज एक उत्तम आदर्श समाज नहीं होगा। अराजकता की स्थिति होगी, ठीक, कोई भी जो वहाँ के लोग रहेंगे वो खुश नहीं हो पाएंगे, ना ही उनका संपूर्ण विकास हो पाएगा। तो शिक्षा क्या होती है, वो समाज के विकास का कार्य करती है, और एक समाज में अगर अच्छी शिक्षा है तो वहाँ का समाज उत्तम, जो उसकी उत्तम दशाएं होती हैं किसी समाज की, तो वो उनको प्राप्त करने में सफल होंगे। शिक्षा का एक कार्य यह है कि मनुष्य को यह सिखाए कि जो व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। प्रत्येक समाज में नैतिकता का व्यवहार आवश्यक होता है। नैतिकता का सभी देशों में महत्व है। नैतिकता में वो सभी बातें सम्मिलित की जाती हैं जो मनुष्य के आचरण को अच्छा बनाती हैं। इसी कारण शिक्षा का कार्य मनुष्यों को नैतिकता में प्रशिक्षण देना होना चाहिए। जो भी समाज प्रगति करना चाहता है उसे ऐसी शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए जिसमें शिक्षा नैतिकता प्रसार का कार्य कर सके। शिक्षा बालक को नैतिक और सामाजिक रूप से प्रशिक्षित कर सकती है। शिक्षा तथा समाज में जो घनिष्ठ संबंध है, रेखा चित्र के माध्यम से जो नीचे दिया गया है इसे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि जो समाज है तो व्यक्ति के विकास के लिए, ठीक, समाज में एक आदर्श, विश्वास, मूल्य, परंपराएं, मान्यताएं, आकांक्षाएं और आवश्यकताएं, तो शिक्षा के द्वारा ये सब मिल सकती हैं और इनके द्वारा व्यक्ति का विकास हो सकता है। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है, शिक्षा तथा समाज एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर लिखना है वो आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा क्या है, समाज क्या है और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। सेकंड जो है वो भी मिलता जुलता ही है, लेकिन इसका थोड़ा उत्तर देने का तरीका अलग है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न है कि शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है, शिक्षा तथा समाज एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो शिक्षा की व्यवस्था समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों को आधार मानकर की जानी चाहिए, आप पढ़ चुके हैं। शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों और सामाजिक भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करा के सामाजिक वातावरण से समायोजन करने की योग्यता प्रदान करना, ठीक। तो काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं इससे पहले जो आपने प्रश्न पढ़ा। तो आपने इससे पहले वाला प्रश्न और उत्तर अगर अच्छे से पढ़ा है तो इस प्रश्न का जवाब आप आराम से लिख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर अगर पढ़ना चाहें तो फिर से पढ़ सकते हैं।
सेकंड, इसके बाद समाज के शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं या समाज के शैक्षिक कार्य क्या हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो आप सबको पता है शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, इतना तो कन्फर्म है ना कि शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये समाज में रहकर दी जाती है। यह प्रक्रिया समाज के द्वारा समाज के लिए चलाई जाती है। समाज अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का सहारा लेता है। प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं तथा आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, इसके लिए शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करता है। समाज अपनी मान्यताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्रत्येक समाज अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने सदस्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। अमेरिका में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक, परंतु भारत में ऐसी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वर्तमान में आप सबको पता है कि भारत में भी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। किसी समाज में एक धर्म विशेष को मान्यता दी जाती है। कुछ समाज में सभी धर्मों का आदर किया जाता है। उन सभी समाजों की शिक्षा व्यवस्था में विभिन्नता होती है। समाज की राजनीतिक स्थिति का भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में एकतंत्र शासन प्रणाली होती है, वहाँ शिक्षा के द्वारा राज्य के लिए सेवक तैयार किए जाते हैं, परंतु जिन देशों में जनतंत्र प्रणाली है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। ऐसे देश में बालक की शिक्षा का प्रबंध उसकी रुचि तथा क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। अब समाज के शैक्षिक कार्य आप कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर एग्ज़ाम में आते हैं कि समाज के शैक्षिक कार्य लिखिए, तो आप इनमें से 5 से 6 लाइन या आप 6 से 7 लाइन भी आराम से लिख सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि समाज जो है बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। ठीक, जैसे आप वर्तमान में समझ सकते हैं कि भाई सरकारें होती हैं, वो समाज में ही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना करती हैं और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है, समाज केवल बालकों के शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता, वरन प्रौढ़ों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करता है। सभी समाज प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, समाज अपने सदस्यों के मानसिक विकास के लिए पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था करते हैं। इससे जन शिक्षा को बड़ा सहयोग मिलता है। पांचवा पॉइंट है, समाज अपने सदस्यों के सहयोग और सांस्कृतिक विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण करता है। इन संगठनों के द्वारा समाज साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन करता है। इस प्रकार समाज के सदस्य साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में प्रशिक्षित होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समाज अपने सदस्यों का नैतिक और चारित्रिक विकास करता है। वह उनमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों का समावेश करता है। सातवां पॉइंट, समाज शिक्षा संस्थाओं के द्वारा सभ्यता और संस्कृति विरासत, ठीक, कल्चरल हेरिटेज की रक्षा करता है। तो समाज के शैक्षिक कार्य, शिक्षा और समाज में क्या संबंध है, शिक्षा और समाज क्या है, और समाज के शैक्षिक कार्य, ये प्रश्नों के माध्यम से आप इनके उत्तर समझ चुके हैं। तो इसके बाद कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न है, एक एक नंबर में पेपर में पूछने को मिलते हैं, तो ये भी लगे हाथ आप समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है? तो उसका उत्तर तो आपको पता ही है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है, उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार क्या करना चाहिए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। और शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। एकदम ईजी है, दोनों को कोरिलेट करके आप अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? जो शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, ये पॉइंट तो इजी है। अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना है तो क्या करना चाहिए, वहाँ की शिक्षा को उत्तम किया जाना चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि वह मनुष्यों को सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों की प्रधानता दी जानी चाहिए। इसके बाद समाज का जो प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए, तो समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य आप क्या है कि भाई वहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसके लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करें और उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। ठीक, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करते हैं, तो भाई आपको पता ही है कि शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के साधनों का प्रबंध करें और व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। तो ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं और इन्हीं के माध्यम से आपको पढ़ना है। इससे पहले जो हमने आपको पढ़ा है वो भी आपको पढ़ना है। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग एक नए लेसन के साथ अपने अगले वीडियो में। ठीक, तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पेपर की तैयारी करें।